एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। आज मैं आप सभी के लाया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम इम्पॉर्टेंट मैथ का सीरीज नया पार्ट। अगर पिछला पार्ट नहीं देखे जाके देखिए, मेरे चैनल पर अपलोड है प्ले लिस्ट पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस भी कर ले ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट के वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा मिले। और साथ में प्रिपरेशन के साथ साथ कोई भी अपडेट आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले मेरे चैनल पर ही दिया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए। और बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है आपका, देखिए यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं काफ़ी ज़्यादा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम SSC रेलवे में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, अगर उसको कर लिए तो आपको सॉल्व हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन ने दिया है 4% लाभ, ऑप्शन बी 5% लाभ, ऑप्शन सी माइन आपका 3% हानि, ऑप्शन डी है 6% हानि। तो इसके लिए जो होता है आपका वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 होता है एक फार्मूला। अगर इसको मान लीजिए एक्स और वाई मान लें तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपान y इंटू 100। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर देखिए जो होगा घटा देंगे, आपका जो घटेगा इसमें देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय क्रय देखिए 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं, मतलब कि 26 में से 25 को घटा के 25 वाले जो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, आपको रखना होगा फार्मूला यहाँ पर रखना होगा। अगर 26 को x मान लें और 25 को वाई मान ले तो आपका एक्स माइनस वाई अपान वाई इंटू 100 होगा फार्मूला। तो यहाँ पर तो देखिए यही है शॉर्टकट विधि, आपका अभिष्ट प्रतिशत लाभ हानि इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 25 अपान 25 गुड़े 100, और इसको सॉल्व किया जाए तो आपका 1/25 गुड़े 100 आएगा, 25 चौका 100 यानी 4%, यानी अर्थात प्रतिशत लाभ जो है 4% होगा। यहीं पर माइनस होता तो आपका हानि हो जाता 4% का, लेकिन पॉजिटिव आया तो इसलिए आपका जो लाभ होगा 4% का लाभ होगा। तो आपको आशा पसंद आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोनों में से घटा के जो जो आपका विक्रय वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है वाई वाला, उसको अपान करेंगे इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगे। तो चलिए नए वीडियो के साथ मिलते हैं, आपके लिए धन्यवाद दोस्तों।